Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, मैं काजल श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फियरलेसनेस के बारे में। भय या फियर हम सबको होता है, हमें डर होता है डेथ का, या हमारा कोई लव्ड वन हमसे खो जाएगा, हमारी कोई ख़ास चीज़ हमसे दूर हो जाएगी सेपरेशन का, और ऐसे ही बहुत सारे रैशनल और इरेशनल फियर्स होते हैं हमें। तो हम इन फियर्स से फियरलेस होने तक कैसे जाएं? वेल, भगवत गीता के चैप्टर 18 के 66 श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अबैंडन ऑल वैराइटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर ऑन टू मी, I will free you from all the sinful reactions. Do not fear. सर्व धर्मों को छोड़ के बस मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति करूंगा, डरो मत। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं म सूचा, ही इज रीअश्योरिंग कि वी शुड नॉट फियर, ही विल फ्री अस फ्रॉम द फियर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हम देखते हैं कि कृष्णा ने कैसे लोगों को फियरलेस बनाया है। प्रहलाद महाराज के पिता ने उनको मारने की बहुत बार कोशिश की, उनको जलाया गया, उनको चाकू से मारने की कोशिश की गई, उनको खाई में फेंक दिया गया, पर इतना कुछ करने के बाद भी उनको एक खरोच भी नहीं आई, क्योंकि कृष्ण भगवान नरसिंह के रूप में उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे। इसी तरीके से जब इंद्रदेव गुस्सा हो गए तो उन्होंने बहुत वर्षा की, वृंदावन के वासी बहुत घबरा गए, उन्हें लगा कि इंद्रदेव का गुस्सा वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाया और उन सबको उनके भय से मुक्त किया। अब है फियरलेसनेस। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुनी थी। श्रीमद् भागवतम में कलयुग की सारी बुराइयां सुनने के बाद वो परीक्षित महाराज बहुत डर गए थे। तब श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो के 3rd चैप्टर के 51st श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, कलेर दोषा निधिरंजन अस्त्य एको महान गुना, कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्ता संगा परम व्रजेत। कलयुग में इनफाइनाइट दोष है पर एक बहुत महान गुण है, इसमें भगवान के नाम का कीर्तन करने से हम लिबरेट हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं फियर से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से और सारी नेगेटिविटी से। तो भगवान के नामों का कीर्तन कैसे करते हैं? हम जाप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इस जाप से हम अपने फियर से मुक्त हो सकते हैं। कृष्ण की शरण लेकर हम अपने फियर से मुक्त हो सकते हैं। हमारे एक वैष्णव कवि गोविंद प्रभु कहते हैं, भजहु रे माना श्री नंदनंदना अभय चरणारा वेंदारी, कि मन तुम श्री कृष्ण के चरणों की शरण ले लो, क्योंकि जो भी श्री कृष्ण के चरणों में होता है वो अभय हो जाता है। तो फियरलेस होने के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम में, और हम उनके चरणों की, उनके कमल चरणों की शरण ले सकते हैं। तो क्यों ना हम सब फियरलेस हो जाएं और अपने फुल पोटेंशियल को अनवील करें। हमारे चैनल पर हम नए वीडियोस अपलोड करते हैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे।
ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, उसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश IGF EOK। अगली बार तक के लिए हरे कृष्णा।